झांसी जिले के गरौठा तहसील अंतर्गत ग्राम कचीर के पास से निकली धसान नदी के किनारे नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अंतर्गत धसान नदी पर पुल तथा कचीर मचगवा तथा राठ गरौठा सड़क मार्ग का आज भूमि पूजन कुंवर मानवेंद्र सिंह उपसभापति द्वारा किया गया। कुंवर मानवेंद्र सिंह सबसे पहले धसान नदी के किनारे पहुंचे, जहां ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन कराया गया। इसके बाद पुल निर्माण हेतु स्थान चिन्हित किया गया। इसके बाद पिलर का पूजन किया। सड़क पर पुल की लंबाई तथा लागत लिखित पट्टिका का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर उपसभापति ने कहा कि नदी पर पुल एवं सड़क मार्ग बन जाने से झांसी एवं हमीरपुर दोनों जिले के लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र तक जाने वाली सड़कों का भी सुधार हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं विधायक जवाहर राजपूत ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चारों तरफ विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कचीर में सड़क एवं पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन होना क्षेत्र में विकास की एक और कड़ी है। दोनों के निर्माण से दोनों जिलों के लोग सीधे आवागमन से जुड़ जाएंगे। इस मौके पर उपजिलाधिकारी गरौठा श्वेता साहू, मझगवा ग्राम प्रधान रीता सिंह, कचीर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि साहब सिंह, सेतु निगम मंडल प्रबंधक वेद प्रकाश के अलावा बंदरोगा ध्रुव नारायण यादव, हरपाल सिंह परमार, मान सिंह परिहार, गोविंद नारायण गुप्ता, जीतू सोनी, लोकेंद्र सिंह, अशोक दुबे, सुरेंद्र मोहन पाठक, टिंचू राजा, अभिलाख सिंह, छोटू आस्था, मयंक यादव, देवेंद्र यादव, राजू परिहार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा भाजपा कार्यकर्ता के साथ थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पटेल पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर यही कहना है कि पूरे क्षेत्र की ये मांग थी पिछले 40 वर्षों से, हम लोग भी इसके लिए प्रयासरत थे और आज वो प्रयास सफल हुआ है और ये सब इसके पीछे क्षेत्र की शुभकामनाएं हैं, क्षेत्र के लोगों का, उनकी शुभकामनाओं के को लेकर ही हम लोगों ने प्रयास किया और आज हम सफल हुए हैं तो बहुत प्रसन्नता है। करौठा से सुगर सिंह यादव की रिपोर्ट।